हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बेटा एसी के अंदर पावर के बारे में, ठीक है, शक्ति के बारे में। और शक्ति के लिए जो अपने पास फॉर्मूला आया था वो आया था पी एवरेज इक्वल्स टू पी आभासी कॉस फाई, ये फॉर्मूला था अपने पास में। और यहाँ पर जो पी आभासी की वैल्यू जो थी वो आपको पी आभासी की वैल्यू जो थी वो थी आपके पास में ई आर एम एस आई आर एम एस ये कॉस फाई, या फिर ई आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू भी पुट करते हो तो आपके पास आ जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू ई नॉट अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू टू हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला था आपके पास में। तो औसत शक्ति के लिए जो है शक्ति गुणांक की टर्म्स में अपन ने देखे थे ये फॉर्मूले थे। और मैक्सिमम जो पावर मिलती है वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में मिलती है या फिर अनुनादी अवस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वन होती है। और कलांतर का मान जो होता है या तो शुद्ध प्रतिरोध के सिरों पर या फिर अनुनादी अवस्था के अंदर फाई का मान शून्य आता है, ये अपन ने देख लिया था। आज बात करेंगे बेटा वॉटलेस करंट के बारे में, शक्तिहीन धारा के बारे में, और उसके बाद में बात करते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मर के बारे में और अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो शक्तिहीन धारा की बात कर रहे हैं बेटा वॉटलेस करंट, तो अपन ने देखा कि प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर होता है, धारा और वोल्टेज के बीच में कालांतर होता है। उस कालांतर का मान जो होगा हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग होता है। अपन ने देखा इंडक्टिंग कॉइल के अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस मिला था और कैपेसिटर में भी 90 का मिला था, जबकि रेजिस्टेंस के केस में कितना मिलता है, जीरो डिग्री मिलता है। ठीक है, तो यहां पर जहां वर्क होगा तो वहां पर पावर भी मिलेगी। तो उन दोनों के फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे सपोज यहां पर मैंने पोटेंशियल या एसी वोल्टेज को शो कर लिया और करंट जो है इसे फाई कालांतर पे, फेज डिफरेंस जो है वो कितने का है, फाई का। तो यहां से अगर आप क्या करते हो, करंट के कंपोनेंट करते हो, तो इसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई आई कॉस थीटा, जबकि वर्टिकल जो आएगा आई साइन थीटा। यहां पर ये जो मिलती है वो आपको मिलती है क्या, एवरेज पावर, जिसको अपन लिख देते एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ई आई आर एम एस की टर्म में ले तो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई ये। जबकि ये करंट जो होती है जैसे किसी प्रकार की कोई पावर नहीं मिलती, कोई कार्य नहीं होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शक्तिहीन धारा या वॉटहीन धारा। तो यहां पर जो वॉटहीन करंट होगी आपकी, वॉटहीन धारा, वो आपके पास आएगी आई साइन फाइव, आई साइन फाइव, इसको बोलोगे शक्तिहीन धारा या फिर वॉटहीन धारा। अब ये वॉटहीन धारा या शक्तिहीन धारा जो मिलती है वो जनरली मिलती है किसके अंदर, शुद्ध संधारित्र, शुद्ध प्रेरणिक कुंडली, या फिर आरएल परिपथ में भी मिलेगा, आरएल में मिल जाएगा, आरसी में मिल जाएगा, पर प्योर नहीं होंगे ये। कुछ भाग करंट का जो होगा वो वॉटहीन धारा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इंडक्टिंग कॉइल और कैपेसिटर जो होते हैं वो हमेशा एनर्जी का क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो आप कहोगे कि सर वॉटहीन धारा क्या होती है, तो प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ में धारा का वह मान जिससे कोई कार्य प्राप्त ना हो, शक्ति का मान शून्य प्राप्त हो, उसे कहते हैं वॉटहीन धारा। ये एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एनर्जी खर्च नहीं करते। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा अपन बात करते हैं फैन वगैरह की, तो फैन में कैपेसिटर का यूज करते हैं अपन, मोटर होती है, ठीक है, कोई भी मोटर, उनमें भी जनरली क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। इसकी भी एक फिक्स लिमिट तक इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी लॉस कम करता है, तो इसकी कंज्यूमिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, कम, एनर्जी लॉस कम होता है, समझ गए। और इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट रहती है, आउटपुट अच्छा मिलता है, आउटपुट रिजल्ट अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन, चले आगे, तो ये होगी तुम्हारी वॉटलेस करंट, ठीक है। अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है ट्रांसफॉर्मर, वो देखेंगे। सबसे पहली बात ट्रांसफॉर्मर का यूज, इसका यूज, इसका यूज देखें तो एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को अप एंड डाउन, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या
घटाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, क्या है? वैद्युत चुंबकीय युक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है बेटा, ठीक है। दूसरा, इसका सिद्धांत, मोटा मोटी छोटे बच्चों की तरह बात करें तो ईएमआई के सिद्धांत पर कार्य करती है, पर अच्छी तरह से बात करें तो अपन कहेंगे ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखा, ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या होता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में। दूसरा पॉइंट देखा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, मैन जो टाइप देखेंगे उसके टाइप दो प्रकार के मिलेंगे टाइप्स। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, मतलब इसको बोलोगे उच्चई ट्रांसफॉर्मर, और एक स्टेप डाउन या फिर अपचाई ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप जो होता है वो जनरली क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर इसमें सिंपल सा एक आयताकार पटलित फ्रेम होता है, ये आयताकार पटलित फ्रेम होता है बेटा, ठीक है, जिसको सामान्यतः चुंबकीय पदार्थ का बनाया जाता है। और इसके ऊपर दो कॉइल होते हैं, जैसे ये मैंने बनाया है प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल, इसको बोला प्राइमरी कॉइल और ये हो गई इसकी सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर देखा जाए तो फेरों की संख्या आप N1 मान सकते हो, धारा I1 मान सकते हो और वोल्टेज जो है वो E1 मान सकते हो। और आउटपुट की फॉर्म में जो मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या, फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो होगी फेरों की संख्या N2, धारा I2 और वोल्टेज जो है वो E2 मान सकते हो। क्लियर? ये प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैंने सिंपल सा कहा कि इसमें एक आयताकार पटलित चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई फ्रेम होगी जिसके ऊपर दो कुंडलियां होगी आमने सामने वाले पर, एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या N1 मान ली, धारा मान ली I1 और वोल्टेज जो है वो मान लिया E1, जबकि सेकेंडरी में फेरों की संख्या N2 मान ली, धारा I2 मान ली और वोल्टेज E2 मान लिया। क्लियर सर? इसको पटलित और क्यों लिया चुंबकीय पदार्थ का, तो सिंपल सा है, जब एसी धारा इसमें प्रवाहित होती है किसमें, इस कॉइल के अंदर, तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यू चेंज आता है, चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय क्षेत्र के मान में कंटिन्यूसली क्या होता है, वेरिएशन आता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कंप्लीटली इसके साथ में कॉन्टेक्ट में आए और इसमें भी आई इंड्यूस और ई इंड्यूस का निर्माण हो, उसके लिए जरूरी है कि यहाँ का फ्लक्स पूरा का पूरा यहाँ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक है, इसके लिए ये एक मैग्नेटिक पाथ बना रखा है जिससे इसका फ्लक्स 100% इसके साथ में अटैच हो सके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को पास होने का तरीका देगा। अब पटलित क्यों किया, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंज आता है बेटा तो उसके अंदर बनती है एडी करंट, भंवर धाराएं बनती है, और ये भंवर धाराएं जो होती है वो हीटिंग इफेक्ट भी करती है जिसके कारण जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं या फिर वायर जो होता है वो मेल्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, भंवर धाराओं को कम करने के लिए बेटा यहां पर इसको क्या किया जाता है, पटलित किया जाता है। तो ये अब इसकी देखें कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो यहां ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मर की सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, ये पावर इंक्रीज नहीं करती, ये पावर प्रवर्धक नहीं है, शक्ति प्रवर्धक नहीं है। आप जितनी इनपुट पावर दोगे उतनी आपको आउटपुट पावर मिलती है,
जनरल केस के अंदर जितनी इनपुट पावर दोगे उतनी आउटपुट पावर दोगे, तो अगर आप पी लिखोगे पी प्राइमरी तो पी सेकेंडरी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और पावर जो होता है वो होता है वोल्ट ऑन करंट। अगर प्राइमरी की करंट की बात करूं तो आई वन, वोल्टेज की बात करूं तो ई वन, सेकेंडरी की बात की जाए तो आई टू ई टू। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू आई टू अपॉन ये। अब यहीं से अपन ने ईएमआई के अंदर लेंज लॉ के अंदर देखा था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ उसकी वैल्यू होती है एन डी फाई अपॉन डी टी। इट मीन्स ई की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर, एन पे डिपेंड करती है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि ई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, तो ई वन अपॉन ई टू का जो रेशियो होगा वो एन वन अपॉन एन टू के इक्वल होगा। तो यहां पर एक चीज आप और ऐड कर सकते हो, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू आई वन अपॉन आई टू तो था ही इसके साथ, सॉरी आई टू अपॉन आई वन तो था ही इसके साथ में लिख सकते हो एन वन अपॉन एन टू। अब तो अपने का ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक स्टेप अप ले लिया, स्टेप डाउन ले लिया। तो एक जो है स्टेप अप वाला जो है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जबकि स्टेप डाउन वाला जो होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब यहां पर क्या कंडीशन की जाती है कि टू टाइप्स के बन पाते हैं, तो यहां देख लो अपने पास जो रिलेशन है ये, इसके अकॉर्डिंग, या फिर ये देख लो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा या जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, फेरों की संख्या पर। तो अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो आपको N2 इज ग्रेटर देन N1 लेना होगा। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो उस केस में आपको मिल जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर यही अगर आपको स्टेप डाउन चाहिए, मतलब वोल्टेज को कम करना होता है, तो उस केस के अंदर बेटा आपको सेकेंडरी के अंदर फेरों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में। तो यहां पर आपके पास जो N2 होना चाहिए वो लेस होना चाहिए N1 से। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेप अप चाहिए तो फेरों की संख्या सेकेंडरी में ज्यादा होनी चाहिए, प्राइमरी में कम होनी चाहिए। और दूसरा जो है स्टेप डाउन चाहिए, तो डाउन के केस में बेटा आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए, तो आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम होनी चाहिए और प्राइमरी के अंदर ज्यादा होनी चाहिए। ये ठीक है। तो ये अपना ट्रांसफार्मर। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर देखें ये कुछ कमियां हैं, कमियां क्योंकि इसकी दक्षता 100% नहीं होती। कैसे दक्षता क्या होती है, तो दक्षता अपन ने देख रखा है बेटा पावर, सॉरी दक्षता, दक्षता जो होती है आउटपुट पावर या जो आपको पी आउट, आउटपुट पावर अपॉन पी इनपुट पावर मल्टीप्लाई 100, ये दक्षता गुणांक, ये दक्षता परसेंटेज मिल जाएगा। ये आउटपुट पावर के अंदर इनपुट पावर को डिवाइड करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दक्षता गुण प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है। और केवल आउटपुट पावर में इनपुट को डिवाइड करोगे तो दक्षता गुणांक मिलेगा। परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहां पर अपना जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं मिलता है, मतलब दक्षता जो होती है वो 100% नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो उसके छोटे मोटे दो चार कारण है बेटा, वो तुम्हें ध्यान होने चाहिए। जैसे पहला ही कारण देख ले, फर्स्ट रीजन जो देख ले वो ये कि इसका 100% फ्लक्स जो होता है वो इसके साथ में लिंक नहीं होता है, फ्लक्स का क्षरण होता है बेटा। कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, वो यहां पर आउटर एरिया में भी पास हो जाती है। तो 100% फ्लक्स जो होना चाहिए वो सेकेंडरी कॉइल के साथ संपर्क में आना चाहिए, पर नहीं हो पाता। एक कमी तो ये होगी। दूसरी कमी अगर देखें तो सिंपल सा कि जो आपने ये आयताकार फ्रेम बना रखी है वो चुंबकीय पदार्थ की बना रखी है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंज आता है बेटा, कंटिन्यूसली चेंज आता है, तो इसमें बनती है भंवर धाराएं। क्या बनती है, भंवर धाराएं, उनके कारण भी ऊर्जा की हानि होती है। भंवर धाराओं को कम करने के लिए अपन ने क्या किया, पटलित किया। ठीक है। इससे पहले जो देखा अपने कि फ्लक्स का क्षरण नहीं हो, इसलिए चुंबकीय पदार्थ की फ्रेम बनाई। ठीक है। तीसरा जो है हीटिंग इफेक्ट, जब इन धारावाही चालक तारों में धारा प्रवाहित होगी तो हीटिंग इफेक्ट के कारण भी एनर्जी लॉस होता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इनको दूर करने के सिंपल से तरीके बता रखे, एक तो पटलित कर लो और दूसरा
चुंबकीय पदार्थ की ये फ्रेम बना लो जिससे 100% फ्लक्स जो है इसके ऊपर आ सके, या फिर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के ऊपर बना लो, सुपर इंपोज करवा लो, एक दूसरे के ऊपर बना लो, तो उस केस में 100% फ्लक्स जो होगा वो कॉन्टेक्ट में आएगा। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर, इसका लास्ट टॉपिक। ओके, तो इसको एक बार अच्छे से पूरा देख लेना, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।